तमाम अन्य लोग जो सहयोगी है तो सरकार में वो भी बता चुके हैं। ऐसे में दो डिप्टी सीएम की कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई दे रही है। ये सब कुछ जो अगर मिला जुला कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त गहमा गहमी है माहौल में, और ये गहमा गहमी इधर दिल्ली भी कैरी फॉरवर्ड होगी। बिल्कुल, ये गहमा गहमी है, और अगर आप देखें तो बहुत कुछ चीजें इशारों में चल रही हैं, मैसेजिंग में चल रही है। यानी कि जब समीक्षा बैठक हुई, 17वें मंडल की समीक्षा बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में चल रही है, जो कि लखनऊ मंडल की है, और लखनऊ के प्रभारी भी हैं ब्रजेश पाठक, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले बीती शाम प्रयागराज मंडल की बैठक थी, वो वहां से आते हैं केशव मौर्य, वो भी शामिल नहीं हुए। दरअसल एक तरीके से ये कहा जाए तो इन दोनों ने अपनी नाराजगी, अपनी नाखुशी जाहिर की है ऐसे समीक्षा बैठकों में ना आकर के। दोनों के पास 25-25 जिले हैं प्रभारी के तौर पर, 25-25 लोकसभा क्षेत्र हैं, लेकिन ये नाराजगी किसको लेकर है? ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर है, ये जो नतीजे आए उत्तर प्रदेश में उसको लेकर है, या फिर कुछ मांगे ऐसे दोनों डिप्टी सीएम ने रखी थी जो नहीं मांगी गई, या योगी जी सिर्फ अपनी चलाते हैं इस बात को लेकर है? देखिए, ये सब कुछ मिला जुला है, कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। जिस तरीके से केशव मौर्य ने कहा था कि वो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहेंगे, संगठन सभी कुछ मिला जुला कर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। और आज सीएम साहब पीएम से मिलने पहुंच रहे हैं, ब्रेक का हौसला दिख रहा है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, अपनाएंगे। Thank you.